hello everyone welcome to the youtube channel just do it in today's lecture we are going to learn 15 most important mcqs of mauryan empire fine i request you all to like the video share it to the maximum and subscribe to the channel fine so let's begin here is the first question who was ashoka's contemporary of ceylon एंड द ऑप्शन आर ए अभय बी पंकदुका सी देवनाम तिस्सा डी मुतशिवा रेडी हियर सिलोन रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट श्रीलंका फाइन एंड द आंसर इज ऑप्शन सी देवनाम तिस्सा सिलोन का राजा था कौन था देवनाम तिस्सा वो मौर्यन एम्पा एम्पेयर अशोका का समकालीन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस फाइन सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मोरियन हिस्ट्री इज एंड ऑप्शन आ। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस बी नेचुरल हिस्टोरिका सी देवी चंद्र गुप्तम डी अर्थशास्त्र रेडी सो आंसर विल बी ऑप्शन डी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य ओके okay? चाणक्य जो कि जिसे हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं ओके okay? उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र जिसमें से हमें मौर्य साम्राज्य की इतिहास जो है वो हमें मिलता है ठीक है और अर्थशास्त्र इज द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री फाइन

ऑप्शन आ ऑप्शन ए तक्षशिला ऑप्शन बी नालंदा ऑप्शन सी विक्रमशिला ऑप्शन डी वैशाली रेडी सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए तक्षशिला क्लियर चल ये जो फोटोग्राफ में हमें दिख रहा है वो है तक्षशिला विद्यापीठ के अवशेष अभी सिर्फ खंडेर के रूप में ये अवशेष ही हमें मिलते हैं जो कि प्राचीन भारत में तक्षशिला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी फाइन चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर हु इज कॉल्ड एज सेकंड अशोका ओके दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइन एंड द ऑप्शन सा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी कनिष्का ऑप्शन डी हर्षवर्धना रेडी सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी कनिष्का कनिष्क जो कि कुषाण वंश का राजा था ठीक कुषाण वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था कनिष्क हम सेकंड अशोका के नाम से भी जानते हैं क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके मेंशन डिवीजन हुन एंपायर इनटू टू सेवन क्लासेस ऑप्शन आर ऑप्शन ए अशोकाज एडिक्ट ऑप्शन बी इंडिका ऑप्शन सी कौटिलियस अर्थशास्त्र ऑप्शन डी विष्णु पुराण इनमें से किस में मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य को सात वर्गों में वर्णित किया गया है एंड द आंसर इज ऑप्शन बी इंडिका इंडिका किसने लिखी थी मैगेस्टनीज़ ने लिखी थी ओके फाइन क्लियर मैगेसनीज़ ने जो इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य को सात भाग में वर्णित किया गया है क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग्स कौन से वंश के जो राजा थे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे बुद्धिस्ट संत जो थे साधु उनको टैक्स फ्री विलेजेस दान में देने की प्रथा शुरू की ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सातवाहनास, ऑप्शन बी मौर्याज ऑप्शन सी गुप्तास, ऑप्शन डी चोलास। फाइन सो आंसर विल बी ऑप्शन ए सातवाहनास। ठीक है क्या होता था राजा जो है राजा ब्राह्मण्स और जो बुद्धि साधु थे उनको जमीन ओके okay? लैंड जो है वो दान में देते थे ठीक है अभी वो जमीन में से जो भी इनकम होती थी वो इनकम पे जो टैक्स लगता था वो सात वाहना वंश के जो राजा थे उन्होंने रद्द किया था वो टैक्स नहीं लेते थे ओके सो दे स्टार्टेड टैक्स फ्री विलेजेस टू बी ग्रांटेड टू ब्राह्मणास बुद्धिस्ट मॉन्ग्स क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन Who among the following was court physician of Kanishka? Options are option A Vasumitra, option B Nagarjuna, option C Charak, option D Patanjali. Simple question. Fine. Ready? So the answer will be option C Charak. Okay. ठीक है चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में court physician थे Fine? नागार्जुन जो है वो कौन थे रसायन शास्त्री थे और पतंजलि जो है वो आयुर्वेदा शास्त्री थे जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ भी लिखे हुए हैं क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर एट एलेग्जांडर एंड पोरस फोर्ट बैटल एट इतिहास में अलेग्जांडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका बहुत ही महत्व है ठीक है अभी ये पूछ रहे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अलेक्जेंडर और पोरस दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए हाइडे स्पेस ऑप्शन बी राजस्थान ऑप्शन सी पानीपत ऑप्शन डी तराइन रेडी सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए हाइडे स्पेस ओके एलेक्ज़ेंडर और पोरस के बीच में हाइडे स्पेस में युद्ध हुआ था ठीक है ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे पे हुआ था ये से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो उसका आंसर आएगा वितस्ता फाइन वितस्ता या जेलम ठीक है जेलम का पुराना जो नाम है वो वितस्ता है क्लियर चलिए बैटल ऑफ फाइडस्पेस एलेग्जेंडर वर्सेस पोरस क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन नेम द वाइफ ऑफ एम्पेर अशोक आंफ्लुएंसिंग एंड दो ऑप्शंस आ ऑप्शन ए चंदालिका ऑप्शन बी चारूलता ऑप्शन सी गौतमी ऑप्शन डी कारूबा की फाइन सो आंसर विल बी डी कारूबा की ओके ठीक है अशोक की ये जो वाइफ है कारूबा की उसका नाम हमें याद रखना है ठीक है बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टेन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर सम कंसेशंस इन टैक्सेस अशोका के जो शिला लेख हैं ठीक है उसके जो रॉक एडिक्स जो भी इंस्क्रिप्शन है बराबर तो उसमें से बहुत ही बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है जो भी शिला लेख है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें जो बताई गई हैं उसमें से बहुत ही बार पूछे जाते हैं सवाल सो so, शिलाेख जो है उसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है चलिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अशोका ने टैक्स में जो टैक्स यानी कि कर में जो कंसेशन दिया था ठीक है तो वो कौन से इंस्क्रिप्शन कौन से शिला लेख पर वो मेंशन किया हुआ है फाइन सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए माइनर रॉक सासाराम ऑप्शन बी बाबरू बैरद एडिक्ट ऑप्शन सी लुम्बिनी पिल्लर एडिक्ट ऑप्शन डी रॉक नंबर ट्वेल्व रेडी सो द आंसर विल बी सी लुम्बिनी पिल्लर एडिक्ट ओके और ये लुम्बिनी पिल्लर एडिक्ट कहाँ पे है लुम्बिनी पे है स्थित है तो वो स्थित है नेपाल में ओके रिमेंबर दिस वन क्लियर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मोरियन कोर्ट वॉज ऑप्शन आर ऑप्शन ए मागधी बी प्राकृत सी मैथिली डी संस्कृत ओके दिस वन इज द सिंपल क्वेश्चन यू मस्ट नो दिस फाइन सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए मागधी ठीक है मौर्य दरबार की जो राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी राज दरबार भाषा जो थी वो कौन सी थी मागधी क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व

तुशास्प जो है वो सौराष्ट्र का गवर्नर था अशोका के समय में और ये तुशास्प ने जो सुदर्शन लेक जो है वो सुदर्शन लेक में से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था ओके रिमेंबर दिस वन क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु वॉज द सन ऑफ अशोका मैंशन इन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ जो अशोका के पुत्र का नाम है वो हमें बताना है ठीक है हियर आर द ऑप्शंस ऑप्शन ए महेंद्र ऑप्शन बी कुणाल ऑप्शन सी तिवरा ऑप्शन डी जालुका ओके बहुत सारे लोगों ने महेंद्रा जो है ठीक है वो नाम सोच के रखा होगा लेकिन महेंद्र जो नाम है वो कहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो मेंशन किया हुआ है बुद्धिस्ट ग्रंथ में ठीक है बुद्धिस्ट जो ग्रंथ थे उन उसमें मेंशन किया हुआ है महेंद्र का नाम अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था ठीक है तो श्रीलंका में से जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हमें जो मिले हैं उसमें इनका नाम मेंशन किया हुआ है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंस्क्रिप्शन में कौन सा नाम मेंशन किया हुआ है कौन से पुत्र का नाम मेंशन किया हुआ है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तीवरा ओके okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ध्यान में रखना है हमें फाइन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द नेम ऑफ हिज वाइफ कारू वाकी मैंशन अगेन शिलालेख में से पूछा हुआ सवाल है ओके okay, शिलालेख में जो इंपॉर्टेंट बातें दी गई है वो हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन सो हियर आर द ऑप्शंस ऑप्शन ए सारनाथ पिल्लर ऑप्शन बी अलाहाबाद पिल्लर ऑप्शन सी रामपुरवा पिल्लर ऑप्शन डी लोरिया नंदनगढ़ पिल्लर ओके सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी अलाहाबाद पिलर ठीक है अशोका की वाइफ जो है कारुवा की जिससे कि वो प्रभावित हुए थे ठीक है उनका जो उल्लेख जो है वो अलाहाबाद पिलर में देखने को मिलता है फाइन चलिए अभी लास्ट uh, क्वेश्चन देखने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक like कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फाइन सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वॉज द करेंसी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग मौरियन पीरियड ऑप्शन आर ऑप्शन ए पण बी तोला सी काकिनी डी दिनार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ओके okay? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए पण ओके मौरियन पीरियड में जो करेंसी जो सर्कुलेशन में थी उसको क्या बोला जाता था पण के नाम से जाना जाता था क्लियर चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच